जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो CET का एग्जाम हुआ था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आपकी साइट पर जो है डाल दी गई थी, और आपने OMR शीट से आपने मैच कर लिया होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन ठीक किया है, कौन सा गलत किया है। लेकिन जो NTA द्वारा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको उन्होंने जो ठीक माना है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो क्वेश्चन गलत है, तो आप जो है उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। आपकी जो है फीस क्या रहने वाली है, और आपने किस तरीके से आपने ऑब्जेक्शन लगाना है, और जो आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, मान लीजिए किसी बच्चे ने एक ऑब्जेक्शन लगाया है, तो क्या उसी बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा या सभी बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा, सारी की सारी बातें इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बता दूंगा। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको जल्द जल्दी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके जो है 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन की फीस आपकी रहेगी एक क्वेश्चन की 100 रुपए। हरियाणा में जो है स्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ऑब्जेक्शन की जो है फीस थी वो 1000 रुपए थी, और इसमें CET में आपकी 100 रुपए फीस है, और 11 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। चलिए, ये आपके कुछ क्वेश्चन है जिसको NTA ने ठीक माना है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, वो गलत है। आपने जो ऑब्जेक्शन लगाना है ना, उसको साथ में उसका एक प्रूफ भी लगाना होगा साथ में, कि इस पेज पर, इस किताब में और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका यहां पर ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको पूरा विद प्रूफ आपको देना होगा, तब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्शन मान्य होगा। तो ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा की प्रसिद्ध जो बड़खल झील का निर्माण है वो कब किया गया था, अकॉर्डिंग टू NTA ने क्या मानना है, 1974 मानना है, लेकिन ये चीज गलत है। इसका राइट आंसर 1947 है, तो इस पर भी आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, HSSC द्वारा बहुत बार, लगभग 15 से 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया था, बहुधान्य कहा गया था। राइट आंसर ये है, लेकिन NTA ने इसका राइट आंसर क्या माना है, वो कृषि धाम माना है, जो कि गलत है। यहां पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर भी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, इस क्वेश्चन पर भी बहुत डिस्प्यूट है। इसका जो आंसर माना गया है NTA द्वारा, वो बबीता फोगाट माना गया है, लेकिन बबीता फोगाट ने क्या था, सिल्वर मेडल जीता था। यहां पर बात किसकी कर रहा है, वो कांस्य पदक की बात कर रहा है, तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, ये गलत है, ये आंसर गलत हो जाएगा, आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा परिवहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, NTA ने क्या मानना है, 21 फरवरी 2018, जो कि ये क्या है, गलत है। इसका आपने कोई अखबार में एक बार आया था, इसका एक ऑथेंटिक आंकड़े जो थे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इस क्वेश्चन पर डिस्प्यूट है, आप इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है, ये आंसर गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 2022 की विषय वस्तु थीम क्या है, NTA द्वारा आंसर इसको सही माना गया है, लेकिन ये चीज जो है, अगर हम इसका ऑथेंटिक आंकड़े देखें, अगर आप जो है विकिपीडिया पर जाकर देखते हैं या आप नेट पर देखते हो, तो ये चीज जो है ना, ये इसका आंसर गलत है, आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ये चीज आपका एक राइट आंसर, एक आपका नंबर जरूर बन जाएगा। ये चीज उसने जो दे रखी है, अंतर का ध्यान रखे ना किसी को और नहीं को, ये चीज गलत है, आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपको एक अंक जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या, अगर बात करें तो, अगर कुल संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो है आंकड़ों में जो है आपका राइट आंसर ये रहने वाला था 73 0, और एक था ये 72 17 283, एक था 71 17 384, शायद ये आंसर है इसका राइट आंसर, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। अगर बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, चोप हरियाणा में निर्मित शोल का एक रूप है, शोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये क्या है, दोनों बातें सेम है, तो इसमें आपका जो आंसर रहना चाहिए वो ए और बी दोनों होने चाहिए, लेकिन NTA ने क्या मानना है, उसका आंसर ये चीज माननी है, चोप हरियाणा में निर्मित शोल का एक रूप है, जबकि आपके जो है ना ए और बी दोनों होने चाहिए, आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक क्वेश्चन आपका ये है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है, इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ये वाला, आप इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपका शायद हिंदी से भी बढ़ता है, आप उस पर भी देख सकते हो उसको भी। तो आपको जो अगर ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस बच्चे ने अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन का आपका 100 रुपए देने होंगे ऑब्जेक्शन के, अगर मानकर चलो वो ऑब्जेक्शन ठीक है, तो सभी बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा, न कि एक बच्चे को, ठीक है, तो सभी बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। ये आपके जो है 8 से 9 क्वेश्चन आपके जो है ना NTA द्वारा जो आंसर दिए गए हैं वो गलत है, तो
तो आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, आपका जो है ना अंक जरूर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।